पिछले तीन दिनों से चुनावी राज्यों के अलावा भी एक राज्य दिन रात खबरों में बना हुआ है। बिल्कुल वहाँ भी कुर्सी के लिए ही खींचातानी हो रही है। कुछ दिन पहले खबर आई कि तमिलनाडु में अब चिनम्मा राज होगा। पनीर सेल्वम ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। सबने यही माना कि पनीर सेल्वम ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये सब बातें मंगलवार शाम को झूठी साबित हो गईं। जी हाँ, चेन्नई में शशिकला के शपथ ग्रहण पर असमंजस के बीच बीती रात हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। जयललिता के निधन के बाद सीएम का पद संभालने वाले ओ पनीर सेल्वम जयललिता की समाधि के पास मौन होकर बैठ गए और तकरीबन आधे घंटे तक वहाँ बैठे रहे। ऐसे में जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, अम्मा यानी जयललिता की आत्मा ने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे जनता को सच बताने को कहा। शशिकला गुट मुझ पर दबाव बना रहा है। अगर पार्टी कार्यकर्ता चाहें तो मैं अपना इस्तीफा वापस ले सकता हूं। मुझे रविवार को पोएस गार्डन बुलाया गया। वहां पार्टी नेताओं ने कहा कि शशिकला को सीएम बनने के लिए मैं इस्तीफा दे दूं। ये सब सुनने के बाद चिनम्मा ने कहा कि पनीर सेल्वम लगता है कि किसी के इशारों पर काम कर रहे हैं, पार्टी में सब ठीक है। मामला यहाँ भी नहीं थमा तो शशिकला के आवास पोस्ट गार्डन पर आपातकालीन बैठक बुलाई गई और वहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पनीर सेल्वम को AIADMK निष्कासित कर दिया है। उन्हें कोषाध्यक्ष पद से हटाकर डिंगडी कुल श्रीनिवासन को नियुक्त कर दिया है। शशिकला ने बीती रात अपने समर्थकों को इसकी जानकारी दी। जब अब पनीर सेल्वम पार्टी से निकाल दिए गए हैं तो ये साफ हो गया है कि तमिलनाडु में राज शशिकला ही करेंगे। फिर भी इंतजार कीजिए इस दिन का, क्योंकि कुछ भी हो सकता है।